नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच प्रदर्शन कर रही इन मुस्लिम महिलाओं पर योगी की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि अफरा तफरी मच गई। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल लखनऊ के हुसैनाबाद क्लॉक टावर पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाओं पर योगी की पुलिस ने शिकंजा कसा तो खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस ने शनिवार देर रात प्रदर्शनकारी महिलाओं की ओर से बनाए गए बैरिकेडिंग की रस्सियां खोल दी, कंबल छीन लिए, टेंट लगाने का सामान गाड़ियों में भर लिया, आसपास की दुकानें बंद करवा दी और शौचालय में भी ताला डलवा दिया। यही नहीं बल्कि पुलिस ने ठंड से बचने के लिए जलाए गए अलाव पर भी पानी डलवा दिया, जिसके बाद तो महिलाओं में भगदड़ मच गई और पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पुरुषों को भी खदेड़ दिया। बता दें कि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने क्लॉक टावर के सामने रस्सियों से दो घेरे बनाए थे। बाहरी घेरे के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत थी, जबकि भीतरी घेरे के भीतर सिर्फ महिलाओं को जाने की ही इजाजत थी। अफसरों की सख्त हिदायत थी कि कोई भी प्रदर्शनकारी महिलाओं के करीब नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ प्रदर्शनकारी पुरुष बाज नहीं आ रहे हैं और वो इस घेरे को तोड़कर महिलाओं के प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब शनिवार की रात ये लोग महिलाओं के घेरे में पहुंचे तो पुलिस ने इनको खदेड़ दिया, तो ये प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस के साथ जुबानी जंग भी चल रही है और इसकी वजह है पुलिस प्रदर्शनकारी पुरुषों को भगा रही है। तो वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धारा 144 लागू होने के बाद भी महिलाएं सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते अलीगढ़ पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। शनिवार को अलीगढ़ पुलिस ने 60 से 70 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। अलीगढ़ सिविल लाइंस के सर्कल अधिकारी अनिल सामिया ने FIR के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि यहाँ कुछ महिलाएं धारा 144 लागू होने के बावजूद भी प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद इन सभी महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है वो एकदम हमारे संविधान के खिलाफ है और ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। जिस तरह से अलीगढ़ और लखनऊ में योगी की पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर शिकंजा कसा है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।